दोस्तों किडनी में स्टोन यूरिन सिस्टम का एक रोग है जिसमें किडनी के अंदर छोटे छोटे पत्थर जैसी कठोर वस्तुएं बन जाती हैं। आमतौर पर ये पत्थरियाँ यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती हैं। बहुत से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको अपनाकर आप इनसे निजात पाई जा सकती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में। पहला, पानी। ज़्यादा पानी पिए, एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिए। शरीर में पानी की कमी होने से गुर्दे में पानी कम छनता है। पानी कम छनने से शरीर में मौजूद कैल्शियम, यूरिक एसिड और दूसरे चीज़ें पथरी बनाने वाले तत्व गुर्दे में फंस जाते हैं जो बाद में धीरे धीरे पथरी बन जाते हैं। जीरे और चीनी को समान मात्रा में पीसकर 1-1 चम्मच ठंडे पानी से हर रोज लेने से यानी कि रोज 3 बार लेने से बहुत अधिक लाभ मिलता है पथरी के रोग में। करेला। करेला वैसे तो बहुत कड़वा होता है और आमतौर पर लोग इसे कम ही पसंद करते हैं, परंतु पथरी में यह रामबाण की तरह काम करता है। करेले में मैग्नीशियम और फास्फोरस नामक तत्व होते हैं जो पथरी को बनने से रोकते हैं। अंगूर। अंगूर में सोडियम क्लोराइड बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए किडनी में स्टोन के उपचार के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही अंगूर प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में उत्कृष्ट रूप से काम करता है क्योंकि इनमें पोटाशियम, नमक और पानी भरपूर मात्रा में होता है। केला। पथरी की समस्या से निपटने के लिए केला खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 क्रिस्टल को बनने से रोकता है और तोड़ता है। साथ ही विटामिन B6 विटामिन B के अन्य विटामिन के साथ सेवन करना किडनी में स्टोन के इलाज में काफ़ी मददगार होता है। एक शोध के मुताबिक विटामिन B की 100 से 150 मिलीग्राम दैनिक खुराक गुर्दे की पथरी की चिकित्सा उपचार में बहुत अधिक फायदेमंद होती है। नींबू का रस और जैतून का तेल। नींबू का रस और जैतून के तेल का मिश्रण गुर्दे की पथरी के लिए सबसे प्रभावी उपचार है। पथरी का पहला लक्षण होता है दर्द का होना। दर्द होने पर 60 मिलीलीटर नींबू के रस में उतनी ही मात्रा में ऑर्गेनिक जैतून का तेल मिलाकर सेवन करने से बहुत अधिक फायदा मिलता है। नींबू का रस, जैतून का तेल पूरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। बथुए का साग। किडनी में स्टोन को निकालने में बथुए का साग भी बहुत अधिक कारगर है। इसके लिए आप 1/2 किलो बथुए के साग को उबालकर छान लें। अब इस पानी में जरा सी काली मिर्च, जीरा और हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में 4-4 बार पानी पीने से बहुत अधिक फायदा मिलता है। प्याज। प्याज में पथरी नाशक तत्व होते हैं, इसका प्रयोग कर आप किडनी से स्टोन से निजात पा सकते हैं। लगभग 70 ग्राम प्याज को पीसकर उसका रस निकालकर पिएं। सुबह खाली पेट प्याज के रस का नियमित सेवन करने से पथरी छोटे छोटे टुकड़े होकर निकल जाती हैं। अजवाइन। अजवाइन किडनी के लिए टॉनिक के रूप में काम करता है। किडनी में स्टोन के गठन को रोकने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल मसाले के रूप में या चाय में नियमित रूप से किया जा सकता है। गाजर। गाजर जो किडनी में स्टोन बनने की प्रक्रिया को रोकता है। साथ ही गाजर में पाए जाने वाला कैरोटीन यूरिन की आंतरिक दीवारों को टूटने फूटने से भी बचाता है। तुलसी। तुलसी की चाय किडनी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सफल प्राकृतिक उपचार है। यह किडनी में स्टोन के उपचार के लिए एक आदर्श समाधान है। शुद्ध तुलसी का रस लेने से पथरी को यूरिन के रास्ते निकालने में मदद मिलती है। कम से कम 1 महीना तुलसी के पत्तों के रस के साथ शहद लेने से आप प्रभाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही आप तुलसी के कुछ ताज़ा पत्तों को रोजाना चबा भी सकते हैं। अनार का रस। अनार का रस किडनी में स्टोन के खिलाफ एक बहुत ही अद्भुत और सरल घरेलू उपाय है। अनार के कई स्वास्थ्य लाभ के अलावा इसके बीज और रस में खट्टेपन और कसैले गुण के कारण इसे किडनी में स्टोन के लिए एक प्राकृतिक उपाय के रूप में माना जाता है। गुड़हल का पाउडर 1 चम्मच रात को सोते समय, खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद गर्म पानी के साथ फांक लीजिए। ये थोड़ा कड़वा होता है इसलिए मन भी कठोर करके रखें, मगर ये इतना भी कड़वा नहीं होता कि आप इसको खा ना सकें। इसको खाना बिल्कुल आसान है, इसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। डॉक्टर मिश्रा जी के अनुसार
क्योंकि उनके स्टोन का साइज बहुत बड़ा था। उनको पहले 2 दिन रात को ये पाउडर लेने के बाद सीने में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। उनको ऐसा लगा मानो जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, मगर वो दर्द था उनके स्टोन के टूटने का, जो 2 दिन बाद नहीं हुआ और 5 दिन के बाद कहीं गायब हो गया और पीछे रह गई उसकी यादें रेत बनकर, जिनका सफाई अभियान अभी चल रहा है। इनके साथ उनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या भी थी, वो भी सही हो गया। इसके बाद यही प्रयोग डॉक्टर साहब ने दो अपने दूध वाले और एक आदमी पर भी किया, जिसका स्टोन 8 mm और 10 mm था। उनको भी यही प्रयोग बिना किसी दर्द के बिल्कुल सही साबित हुआ। अगर स्टोन का साइज बड़ा है तो यह दर्द करता है। दोस्तों, आप इस नुस्खे को आजमा कर अपने किडनी स्टोन से छुटकारा पा सकते हैं। साथ में पालक, टमाटर, चुकंदर, भिंडी का सेवन आपको नहीं करना है। और अगर आपका स्टोन बड़ा है तो ये टूटने समय दर्द भी कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।